हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी आर फैशन। और आज के इस वीडियो में मैं बॉर्डर का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसे आप कुर्ती की स्लीव्स पर, दामन पर और ट्राउज़र पर बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये पेपर लिया है और इस पेपर की चौड़ाई 5 इंच है। और अब हम इस पेपर के ऊपर आधे आधे इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और लाइंस बना लेंगे। तो पेपर पर मैंने लाइंस बना ली है और अब मैं इस तरफ से पेपर पे ऐसे ही लाइंस बना लूँगी। इस तरह से मैंने पूरे पेपर पे लाइंस बना ली है और अब मैं पेपर को पलट लेती हूँ। और उसके बाद मैं ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रही हूँ और अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पेपर के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब इस फैब्रिक को पेपर के साथ अटैच करते हुए हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बड़े टांकों की सिलाई से हम फैब्रिक को पेपर से अटैच करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ एंकर थ्रेड ले रही हूँ और अब इस थ्रेड को बॉबिन में भर लूँगी। और अब बॉबिन केस में इस धागे को फिट कर लेती हूँ। तो बॉबिन केस से ये धागा बहुत आसानी से निकल रहा है। और अगर बॉबिन केस से धागा निकलने में कोई दिक्कत हो तो आप बॉबिन केस के इस नट को थोड़ा सा ढीला कर ले तो इससे धागा आसानी से निकल जाएगा। तो मशीन में बॉबिन केस से मैं एंकर का थ्रेड यूज़ करूँगी और ऊपर की तरफ मशीन में मैं ये सिंपल थ्रेड यूज़ करूँगी। तो अब मैं इन धागों को मशीन में फिट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक सादा सिलाई मशीन है और सिलाई चलाने से पहले आप स्टिच रेगुलेटर को 4 नंबर पर सेट करके रख लें। और अब हमने जो पेपर पे लाइंस बनाई हैं उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। मैंने सभी लाइंस के ऊपर सिलाई लगा ली है तो सीधी तरफ से डिज़ाइन इस तरह से बना है। और अब उल्टी तरफ जो पेपर लगा है उसे हम निकाल लेते हैं। पेपर को मैंने निकाल दिया है और अब यहाँ जो एक्स्ट्रा धागे निकले हैं उन्हें कट कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ स्लीव कट करके रखा है और अब हम स्लीव के ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे। स्लीव की राइट साइड और ऑर्गेन्जा फैब्रिक की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। हमें इसे इस तरह से रखना है और अब हम इसे स्लीव के साथ में जॉइंट करते हुए यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और अब इसे सीधा करके इस पर टॉप स्टिच कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है
और अब मैं इस पट्टी को स्लीव के किनारे पर स्टिच करूँगी। पट्टी को मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के नीचे रख रही हूँ और अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और अब पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैं ये वाइट कलर की लेस ले रही हूँ और अब इस लेस को यहाँ पट्टी के नीचे रखकर स्टिच करूँगी। तो यहाँ किनारे पर मैंने लेस स्टिच कर लिया है। और अब मैं व्हाइट कलर की एंकर थ्रेड ले रही हूँ और अब इस एंकर थ्रेड को मैंने सुई में लगा दिया है। और अब इस एंकर थ्रेड से इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार बॉक्स हैं हम उस पे डिज़ाइन बनाएंगे। और अब इस धागे को सुई के नीचे से घुमा लेंगे इस तरह से। और अब आगे हम यही प्रोसेस दोहराते जाएंगे और डिज़ाइन बनाते जाएंगे। और अब यहाँ रॉन्ग साइड की तरफ से हम धागे को बांध देंगे। और अब हम आगे के चार बॉक्स छोड़कर उसके आगे जो चार बॉक्स है उस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने धागे से डिज़ाइन बना लिया है। और उसके बाद मैं ये स्टोन्स ले रही हूँ और अब मैं इन स्टोन्स को यहाँ जो खाली बॉक्स है उस पे चिपकाऊंगी
तो स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैं ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। स्टोन्स को चिपकाने के बाद 48 घंटे तक आपको कपड़े को धोना नहीं है, इसे अच्छे से सूखने देना है। तो कपड़े पे मैंने स्टोन्स चिपका लिया है और अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर और कुर्ती के दामन पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।